नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज है 15 जनवरी और दिन के 12:15 हो रहे हैं। आज सैटरडे तो वीकली ऑफ है मार्केट, बट जैसे कि हमारे Q3 रिजल्ट की सीरीज चल रही है, उसके अंदर कल एक और शेयर का रिजल्ट आया था एक कंपनी का, गुजरात होटल्स लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए गुजरात होटल्स लिमिटेड, तो देखिए कल के दिन आपने एक रनवे रैली देखी थी, होटल शेयरों के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि देखिए होटल शेयरों की तेज़ी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि कोविड के वेरिएंट तो है, बट कोविड के चलते होटल में इतनी वो नहीं कराया गया, यानी होटल को पूर्णतः से बंद नहीं किया गया। 50% कैपेसिटी के साथ होटल चल रहे हैं, होटल्स के साथ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और लोग बाग भी अब बस वैक्सीनेशन के साथ घूमना फिरना बंद नहीं कर रहे, लोग बाग घूमना स्टार्ट कर रहे क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों ने, पिछले एक साल तक लोगों ने घूमना फिरना बंद किया था, बट अब कोविड के चलते हुए लोग बाग वैक्सीन के साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि अपना ट्रैवलिंग कर रहे हैं और होटल्स की अर्निंग डे बाई डे देखने को मिल रही है। तो चलिए गुजरात होटल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है कंपनी किस वेंचर की है, कंपनी होटल सेक्टर की है, हॉस्पिटलिटी की सेक्टर की कंपनी है। देखिए इनका मेनली गुजरात के अंदर इनके होटल्स है और बाकी इनका जो वेंचर जो चलता है ITC के साथ भी मर्जर होकर चलता है। ये देख सकते हैं आप, एसोसिएट किस कंपनी की है, ITC लिमिटेड का एसोसिएट है इनकॉर्पोरेट, ठीक है, और इनका ओन होटल है वडोदरा के अंदर इनका होटल है, ठीक है ना, और वो होटल जो किसके द्वारा चलता है, ऑपरेट बाय ITC लिमिटेड। तो बेसिकली इनका काम क्या है, होटल जितने भी इनके गुजरात में, इनके ज़्यादातर होटल्स गुजरात में और ITC के मर्जर के साथ ही चलते हैं। ITC का इनका ऑपरेट जो इनके होटल्स होते हैं वो ITC ऑपरेट करता है इनके होटल्स को, गुजरात होटल्स लिमिटेड को, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर कैसा रहा इसका शेयर का रिजल्ट वो समझते हैं। तो देखिए मैंने BSE पे इनका लेटर ओपन कर लिया। देखिए कल के दिन 14 जनवरी को इनका रिजल्ट आया था Q3 का, तो रिजल्ट कब हुआ था, मीटिंग हुई थी 4:30 पे और इम्पैक्ट रिजल्ट कब निकला था, 5 कंडक्ट हो गया था, यानी मार्केट ऑफ होने के बाद इसका Q3 का रिजल्ट अपलोड हुआ था। तो देखिए इसका Q3 का रिजल्ट आया था तो हम उसके बारे में बात करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए इनके जो Q3 के रिजल्ट है वो है लैक्स के अंदर है, तो इनके टोटल इनकम आई है ऑपरेशन से और अदर इनकम से आई है। देखिए ऑपरेशन द्वारा यानी कि देखिए जो इनके होटल्स का वेंचर है उसके द्वारा इनको टोटल इनकम आई 81.28 लाख की। लास्ट क्वार्टर से देखेंगे तो बढ़ के ग्रोथ देखने को मिली, लास्ट ईयर भी ग्रोथ देखने को मिली 20% की, और अदर ऑपरेशन से इनकी देखिए इस बार इस क्वार्टर में Q3 के अंदर इनकी डाउन देखिए अदर इनकम, तो फिर भी इनकी जो इनकम है वो ग्रोथ में देखने को मिली। टोटल इनकम इनके ये 111 लाख की, पिछले क्वार्टर थी यानी जून क्वार्टर के अंदर 81 लाख थी और उससे पहले यानी ईयर आई थी 100 लाख की, तो ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर क्वार्टर वाइज 30% ग्रोथ देखने को मिली है, ईयर ईयर वाइज भी 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको टोटल इनकम में। इनके एक्सपेंस बढ़े, देखिए एम्प्लॉय के बेनिफिट के एक्सपेंस, इनके एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट का एक्सपेंस बढ़ा है इस क्वार्टर में 4.32 लाख का, पिछले क्वार्टर में था 3.5 लाख का और उससे ईयर ईयर था 3 लाख का, तो एम्प्लॉय के एक्सपेंस बढ़े हैं, तो टोटल इनके एक्सपेंस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ईयर वाइज डाउन देखने को मिला है, वह क्वार्टर वाइज ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए लास्ट क्वार्टर 8.67 था, वो बढ़ के हुआ 10.73 और ईयर लास्ट ईयर था 11.59, तो लास्ट ईयर से इनके जो ऑपरेशन जो टोटल एक्सपेंस थे वो घटे हैं ईयर ईयर वाइज, बट क्वार्टर क्वार्टर वाइज 2% की ग्रोथ देखने को मिली है और ईयर वाइज 1% की डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं इनका टोटल बेनिफिट कितना है वो देखते हैं। तो देखिए इनको बेनिफिट आया, इनको 75 लाख का बेनिफिट आया, लास्ट क्वार्टर बेनिफिट था 58 लाख का, तो उससे पहले था 67 लाख का, तो बेनिफिट भी आया यानी कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको 75 लाख का और लास्ट क्वार्टर था 58 लाख का, उससे पहले था 67 लाख का, तो ईयर ईयर वाइज प्रॉफिट आया कंपनी को और क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से शेयर के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको मंडे के दिन। अब देखिए इसका जो क्वार्टर जो इसके अर्निंग पर शेयर है EPS इस क्वार्टर आई है 2.2 और लास्ट क्वार्टर थी 1.5, उससे पहले थे 70 है, तो ईयर ईयर वाइज भी ग्रोथ देखने 50% ग्रोथ देखने को मिली अर्निंग पर शेयर में। देखिए इस दिसंबर के अंदर इनके अर्निंग पर शेयर 2 थी और वो बढ़ के हुई है लास्ट क्वार्टर थी 1.55, उससे पहले थे 178, तो ये क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी और ईयर ईयर भी EPS में ग्रोथ देखने को मिली, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मॉरल द स्टोरी ये है कि इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, अर्निंग में
अप ट्रेंडिंग देख रहा है, अप अर्निंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में मुनाफा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मॉरल तक पूरा क्या है कि इसका जो गुजरात होटल लिमिटेड का दिसंबर तक की सेल है वो काफ़ी अच्छी आई है, इससे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब चलते इसके थोड़ा सा फाइन इसका मार्केट कैप देखते हैं। इसका तो इसका मार्केट कैप है, आपको ओनली बीएससी पर रजिस्टर्ड है शेयर है, अब आपको मिलेगी इसकी मार्केट कैप 52 करोड़ रुपए की। स्टॉक पी है 22 का, स्टॉक आरओईसीएस का 7.92% का, बुक वैल्यू इसके 92 की है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.68% है और डिविडेंड कंपनी देती है 1.29% के हिसाब से डिविडेंड दिया कंपनी। ऑलमोस्ट कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब इसमें पॉजिटिव का इंसान क्या, कंपनी ने ऑलमोस्ट कर्जा खत्म किया है, ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है कंपनी और कंपनी अपना डिविडेंड पे कर रही है 20% की डिविडेंड मेंटेन रखा कंपनी ने अपना। और देखिए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम है, यानी कि मार्च 2019 से देखेंगे तो 53.70 टोटल प्रमोटर के पास है, FIDICC की होल्डिंग ने इसके अंदर पब्लिक के पास है 46.30। तो उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ नहीं करी है ना डिक्रीज़ करी है, प्रमोटर की होल्डिंग सेम है। आप देख सकते हैं प्रमोटर को अपनी कंपनी का पूरा पूरा विश्वास है, इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, बाकी पब्लिक के पास 46.30 वो सेम ही है। इसमें FIDICC की होल्डिंग नहीं है अभी तक। तो ये चलते हैं, अब चलते हैं इसके अंदर क्या रहा फ्राइडे के दिन वो समझते हैं। तो फ्राइडे के दिन ये 2% की तेजी के साथ ये बंद हुआ, तो फ्राइडे को ओपन होता 142.80 रुपये में, हाई मारा 142.25 रुपये का, लो मारा 134 रुपये का। इसका 52 हाई है 204.45 रुपये का, 52 लो है 45.20 रुपये का। 5 दिन में अभी तक इसने हमारे को 0.72% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 1 मंथ के अंदर तो 0.04% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 6 मंथ के अंदर वो माइनस में 20% रिटर्न दिया अभी तक, और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसने 11% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। यानी लास्ट 6 मंथ से शेयर के अंदर मूवमेंट नहीं आया देखने को, इस वजह से गिरावट के और होटल शेयरों के अंदर इसलिए गिरावट थी, तो वो ड्यू टू कोविड के चलते होटल शेयरों के अंदर गिरावट देखने को मिली। बट जैसे जैसे कोविड का वेरियंट खत्म धीरे धीरे माइंड फ्री होते जा रहे हैं सब लोग, तो धीरे धीरे इसका वेरिएंट के हिसाब किताब भी सही होता जा रहा है। तो इस वजह से कोविड का चलते अब लोगों को डर इतना नहीं है जितना पहले था, पैनिक नहीं है आपको कोविड को चलते हुए। कंपनी कब से 1982 से कंपनी है। अब देखते हैं इसके वीक इसका और क्या है इसके अंदर। तो देखिए मैं टिकर टिप की साइड पर आ चुका हूँ, तो ये लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करता है निफ्टी के अंदर, BSE के अंदर 3.14 की उससे चलता है। देखिए अब इसके अंदर क्या है, सेक्टर पी है इसका 400 माइनस में 482.30 है, इसका पॉजिटिव में सेक्टर पी है 22 का है, सेक्टर पी भी इसका 66.50 वो बढ़ के है, यानी 1.49, ये भी अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है इसमें क्या है, और क्वार्टर ईयर ये वाली कंपनी अच्छे खासे रेवेन्यू साथ प्रॉफिट अर्न करती है एवरी ईयर, तो ऐसा नहीं है। बाकी इंडिकेशन इसमें तेजी के हैं, तो तेजी इसमें और देखने को मिली। अब चलते हैं क्वार्टर क्वार्टर इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे देखते हैं इसका क्या इंडिकेशन आ रहे हैं। तो चार्ट पे देखिए इसको बोलते हैं हम एरो एरो ट्रायंगल बोलते हैं इसको। देखिए आप देखिए जिस तरह से ये माउंटेन बन रहा है, देखिए आप देख सकते हो पूरा माउंटेन चार्ट बन रहा है इस टाइम पे ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए एक ही दिन में बढ़ा था, एक ही दिन में इसने 52 हाई तोड़ा था अपना, 52 हाई तोड़ने का फिर गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो अभी भी इसमें अप बाइंग है ही नहीं है समझते। देखिए इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आपको लास्ट, यानी कि देखिए आपको जून से इसमें लगातार गिरावट देखने, तेजी के इंडिकेशन नहीं आए। तो अब इसके अंदर क्या तेजी रहेगी वो भी समझते हैं। देखिए तेजी का इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर वाई और ईयर वाई सेल में ग्रोथ देखने को मिली रिजल्ट के अंदर और ईपीएस में ग्रोथ देखने, सब तेजी का इंडिकेशन तो है। और जो कल के दिन इसने एक हैमर कैंडल के साथ क्लोज करा है, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, अगर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो तो 132 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें आप एंट्री कर सकते हो, 132 का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि इस क्वार्टर इस वीक में इसने जो इन्वर्टेड हैमर जो हैमर कैंडल बनाई है ये तेजी को इंडिकेशन दे रही है और ये ऊपर जाके ही बंद हुई है। तो यहाँ से क्या होगा, 132 का स्टॉप लॉस रखिए। अभी मैं आपको टारगेट बताऊंगा आगे के। तो देखिए MACD पे क्रॉस मूविंग देखने को मिल रही है एकदम नेकलाइन पे है और RSI हमारा 46 के आसपास चल रहा है। तो ये वीकली चार्ट हो गया, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे हम मैं टारगेट दूंगा आपको। तो पहला जो टारगेट हमारा निकल, देखिए वीकली चार्ट पे एक करेक्टिव एरिया के अंदर शेयर फंसा हुआ काफ़ी टाइम से, ये देख सकते हैं आप, यानी कि 130 से लेके 150 के बीच में चलता आ रहा अभी तक ये, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला टारगेट निकल के आने वाला अपना, तो यहाँ से जो मेरा पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 140 का, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज ही 140 के आसपास हुआ। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्लोजिंग कितना दिखा रहा है हमारे को,
यहाँ से अब मेरे को जो लेवल दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो इस टेरिटरी के अंदर फंसा हुआ था शेयर, और कल के दिन इसमें तेजी देखने को मिलेगी मंडे को, क्योंकि देखिए अभी भी MACD पे गिरावट की इंडिकेशन नहीं है। RSI हमारा अप ट्रेंडिंग चला है, 50 के अबव चल रहा है, तो यहाँ से जो पहला टारगेट आने वाला है, यहाँ से मेरा पहला टारगेट है 145 का, दूसरा टारगेट है 150 का, तीसरा टारगेट 160 रुपये का। 160 तक के टारगेट क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए इस टेरिटरी के अंदर शेयर जैसे जाएगा तो ये जो है ये पूरा एरिया काफ़ी टाइम से इसी एरिया के अंदर चल रहा था, ये अपने 50 52 यानी कि 52 हाई को भी तोड़ेगा जल्दी। और देखिए इसके अंदर एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, जो इसका MA 100 डेज का MA वो जल्दी ब्रेकआउट आने को तैयार बैठा है। देखिए आप सकते हैं जिस तरह से MA ब्रेकआउट हुए, जैसे 7 डेज के MA तेजी के साथ भगी, तो इसमें और भी एरिया देखने को मिलेगा तेजी को आपको। तो इस एरिया के अंदर शेयर जाएगा, जैसी जैसे शेयर 150 का लेवल पार करते तो 160 के लेवल आपको ईजी दिख जाएंगे। 130 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, पहला टारगेट 145 का, दूसरा टारगेट 150 का, तीसरा टारगेट 160 रुपये, तीन टारगेट का बाय करिए, पैसे होल्ड रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।